पहना है ये? तो प्यारे झुमके पहने हैं, किसने पहनाए? ये देखिए इतने खूबसूरत, इसके कान भी छिदे हुए हैं और इतने प्यारे से झुमके पहने हैं इसने। मम्मा ने लेके दिए। दर्द नहीं हुआ? दिखाओ ये वाला, दिखाओ यहाँ भी पहना हुआ है। ये देखिए भाई प्यारे झुमके और इतनी क्यूट सी डॉल ने पहने हुए। नाम क्या है आपका? कितनी क्यूट है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं आज जा रही हूँ अपनी टीम के साथ अपने फील्ड एरिया में, जहाँ पे हमने बच्चों को एंगेज करना होता है, जिसकी कुछ वीडियोस मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और इसके अलावा इस स्कूल के अलावा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जो है इंगेज करने के अलावा, पढ़ाने के अलावा हम और क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और क्या सोशल चेंज लेकर आए हैं हम, वो भी आज हम आपसे शेयर करेंगे। आज मिलवाऊँगी मैं आपको अपने कुछ टीम मेम्बर से, उनके छोटे छोटे इंटरव्यूज़ लेंगे हम। और अभी इस वक्त हम एक होटल पर मौजूद हैं जो कि नॉर्दर्न बाईपास के पास है, जहाँ पर हमने चाय पीनी है और हम मूव होंगे आगे अपनी फील्ड के लिए। चाय है जो कि यहाँ पे कराची में मशहूर है पठान की चाय के नाम से, और ये बड़ी मज़े की ज़बरदस्त कड़क सी चाय होती है, जो कि अभी हम गाड़ी में हमने मंगवाई है, हम इसको पियेंगे और फिर रवाना होंगे अपने फील्ड एरिया की तरफ। आप एक चाय का कप दिखा रही हैं, आपने एक ही कप मंगाया है, इतने सारे लोग, पांच लोग बैठे हैं। नहीं नहीं, मेरे हाथ में एक कप है, तुम्हारे, तुम चाय पीते नहीं हो, पी नहीं रहे हो। नहीं नहीं, कप कप पे ले लाओ भाई, आपने मना कर दिया चाय पीने से। अच्छा, ये हमारा वो टीम मेंबर है जिसका नाम सदा है, जो हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहता है। इसका काम भी बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा एंटरटेन करता है हम लोगों को। और इसकी चाय इसलिए इसके हाथ में नहीं है क्योंकि ये चाय नहीं पीता, ये चाय भी नहीं पीता, और अगर कहीं हम नाश्ते के लिए रुकते तो ये नाश्ता भी नहीं करता, कहीं हमें लंच करना तो ये लंच भी नहीं करता। पता नहीं ये कैसे जिंदा रहता है, क्या करता है, और इसका ये कहना है कि ये धूप खाता है। चलें, आज का जो व्लॉग है बहुत एंटरटेनमेंट वाला होने वाला है, साथ रहिएगा। वो क्या? वो ये है कि आप लोग होटल की चाय पीते हैं, आपको पता है कि ये दिमाग को ज्यादा चुस्त करेगी, और मुझे घर की चाय दी है आपने जो कि मुझे और नींद दिला देगी, तो इसीलिए मैं नहीं, तुम तो चाय पीते नहीं हो ना, अभी क्यों पी रहे हो? तो मैं नहीं पीता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ऐसी चाय पिलाएं आपके, मैं बस तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि घर की चाय तो तुम सो जाओगे, इसमें कुछ मिला हुआ है? क्योंकि इसमें आपने पता नहीं क्या डाला है, हो सकता है नींद की गोलियां मिलाई हो। हमारी एक और टीम मेंबर है अनिल। अनिल चाय पी रहे हो? क्यों पीते हैं हम ये पठान की चाय, ये बताएं? नहीं, ये घर की चाय, पठान की। आप घर की चाय पी रहे हैं? अच्छा अच्छा, मसला ये है कि यहाँ पे हमारी घर की चाय भी थी जो कि हमने गरम करवाई है, और उसमें जो मुझे कप मिला है वो यहाँ से खरीदा हुआ मिला है पठान की चाय का, और ये बेचारे घर की चाय पी रहे तो अभी ये अभी नहीं बता सकते। फिर वैसे आप पीते तो है ना डेली यहाँ की चाय, तो ये पठान की चाय क्यों मशहूर है, क्या राज है इस बात का? पत्ते हैं जो शायद गुड़ी हमारे उसमें बोलते हैं ना, शायद वो पत्ते डालते हैं इसमें, वो फिर एडिक्शन हो जाती है उससे, और वो चाय इसलिए अच्छी बनती है मेरे ख्याल से। किसी ने बताया मुझे, पठान ने ही बताया था। अच्छा, इसीलिए पठान की चाय मशहूर है? मशहूर है। अच्छा, एडिक्शन हो जाती है आपको? चले, ये मुझे भी नहीं पता था, इतना पता था कि पठान की चाय अच्छी होती है, लेकिन क्यों अच्छी होती है ये मुझे आज पता चला। पत्ती में मिक्स होती है, उसे पता नहीं चलता वो। अच्छा, गुड़ी होती है, पत्ते उसको पीसते हैं, फिर उसमें वो चाय मिक्स करते हैं, उसका टेस्ट भी चेंज होता है ना। चले ठीक है, ये चीज़ होती है जी, बताएं। दूसरी बात ये है कि हम सब घर की चाय पी रहे हैं और छेनाज के पास सिर्फ पठान की चाय है। अब आप देखें, आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि उन्होंने बताया है कि पठानों पे काम कर रहे हैं हम, तो पठानों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको सफाई सुथराई सिखा रहे हैं, इसीलिए ये पठानों की चाय भी पठानों की पी रहे हैं, ताकि मैं खुद पठान बन के वहाँ पे जाऊँ तो ज्यादा असर होगा। इसके पीछे यही मसलियत छुप रही है। सही है, ओके। हम यहाँ पे मौजूद हैं अपनी कम्युनिटी में, और यहाँ पर होते हैं हमारे टीम मेंबर सदा हुसैन, जो कि कम्युनिटी को एंगेज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जिसमें हम कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज ला सकें और उनके लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए कोई ना कोई काम कर सकें। सदा बताइएगा क्या क्या करते हैं हम कम्युनिटी के साथ, क्या पॉजिटिव चेंज आया है हमारे यहाँ आने से, हमारे यहाँ काम करने से? अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट एसोसिएट,
और मेरा काम ये होता है कि यहाँ पे लोगों के साथ, उनके साथ मीटिंग करना, उनको इंगेज करना और उनके साथ इस तरीके से इंगेज होना कि उनमें हाइजीन के हवाले से, सेहत सफाई के हवाले से अवेयरनेस सेशन के थ्रू उन तक जो हमारे की मैसेजेस हैं जो हमें यूनिसेफ की तरफ से और WHO की तरफ से तजवीज़ किए गए हैं वो हम उनको देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को इस काबिल बनाया है हमने कि वो अपनी कम्युनिटी में अपने बच्चों को, अपने बड़ों को सेहत और सफाई के हवाले से मेंटेन रखें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इलाके की हालत कैसी है, बिल्कुल एक यहाँ पे कचरा हर तरफ मौजूद है। तो यहाँ पे जो हमारे इस कम्युनिटी के छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे खेलते हैं इस कचरे में, इसमें उन बीमारियाँ बढ़ती हैं और वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो हमारा काम यहाँ पे होता है कि हम, जाहिर सी बात है, बच्चे को, हर एक बच्चे को तो नहीं बोल सकते, हम यहाँ पे आते हैं, आके यहाँ पे जो मेन फोकल पर्सन हैं उनसे हम मुलाकात करते हैं और उनको अवेयरनेस सेशन का एहतमाम करते हैं यहाँ पे मस्जिदों में, स्कूलों में, या बैठक होती है इनके वहाँ पर जाके, ताकि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस काबिल बनाएं कि ये अपने आप को, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे साफ़ सुथरा कराची मुहिम भी शुरू हुई है, जिसमें कुछ इलाकों से हमारी तरफ से कचरा वगैरह भी उठाते हैं यहाँ पे, और ये कचरा भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से उठा के बाहर दूर फेंकें ताकि ये इलाका साफ़ सुथरा रहे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी तरफ से वेट लैंड बनी हुई है, ये जो यहाँ पे पानी ख़राब है, ये सारा पानी जो गलियों में जमा होता है, ये आपको फिर गलियों में नज़र नहीं आएगा, ये सारा पानी वेट लैंड की तरफ जाएगा और यहाँ से जो साफ होकर उस तरफ जो पानी निकलेगा तो वो इस तरीके से गंद उस पानी में मौजूद नहीं। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि आपने कहा कि आप इनके चेंज के लाने के लिए की मैसेजेस देते हैं, इनके साथ आपने बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट की है, मीटिंग्स की हैं इनको, तो एक एक पॉजिटिव चेंज बता दें कि पहले क्या था, क्या हालात थे इनके, और अब आपके आने से, हमारे आने से कम्युनिटी में क्या डिफरेंस आया है, क्या फ़र्क आया है, जो आप एज अ हाइजीन प्रोमोटर या एज अ सोशल मोबिलाइजर जो आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर। अब फ़र्क ये आया है कि अब मैं जो बताया मैंने इनको, सबसे पहले हैंड वॉशिंग है, अपने आप की पर्सनल हाइजीन है, अपने आप को कैसे साफ रखना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, एज अ मुस्लिम हर किसी को पता होता है, इनको भी पता है, मगर हम बोलते हैं ना वो जो कि हिट पॉइंट जब बार बार हम उनको बोलते हैं रिपीट तो करते हैं, अमल करने के लिए आमादा हो जाते हैं। सही। तो पहले भी उनके पास ये चीज़ें मौजूद थी, क्योंकि मसाजिद यहाँ पे हैं, जुम्मा का खुतबा होता है तो सही उसमें बताया जाता है, जी बताते हैं, मगर हम बार बार उनसे मीटिंग करते हैं ताकि जो हमारी तरफ से उनको मैसेज आएगा, हमारे पास फीमेल स्टाफ भी मौजूद है, वो भी उनकी तरफ जाके वहाँ पे फीमेल्स को बताता है, तो वो अब इस काबिल हो गए हैं कि अपने बच्चों को वो खुद बोलते हैं, और जो बच्चे तालीम के लिए वो बाहर खेल रहे होते हैं बाज़ारों में, वो उनको तालीम के लिए भेजते हैं हमारे CFS में, जो कुछ टाइम के बाद आप CFS की तरफ भी जाएंगे तो वो देखेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सदा, और ये हमारी हम एक टीम है और हम डिफरेंट पोजीशंस पे यहाँ पे इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह दुआ है कि यहाँ पे ये चेंज आता रहे और लोगों के हालात जो है वो बेहतर होते रहें। थैंक यू सदा। सदा के मुंह से वर्ड सुना, यहाँ जो कम्युनिटी है जब हम इनको अवेयरनेस सेशंस देते हैं हाइजीन को प्रोमोट करने के लिए और बाकी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो ये बच्चे अपने CFS पे भेजते हैं। CFS मतलब जो है चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस, जो कि यहाँ पे लर्निंग सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं। यहाँ पे हमारे दो फैसिलिटेटर होते हैं, एक जो है मेल फैसिलिटेटर होता है जो बच्चों को, बॉयज़ को पढ़ाता है, और एक हमारे पास फीमेल फैसिलिटेटर होती है जो कि यहाँ पे गर्ल्स को पढ़ाती है, बच्चियों को पढ़ाती है। तो यहाँ पे मैंने तो आपको बच्चों से भी मिलवाया, इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे जो मेल फैसिलिटेटर हैं अनिल, आज मैं उनसे मिलवाऊंगी और वो आपको बताएंगे कि उनके आने से पहले यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, और यहाँ पे जब हमने ये चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस बनाने के बाद जब हम बच्चों को इंगेज करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे क्या चेंज आया है, और बच्चों में और उनके पेरेंट्स में और जो भी हम इनके साथ डिफरेंट सेशंस करते हैं उनके बाद क्या फ़र्क पड़ा है हमारे यहाँ आने से और यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने से और यहाँ पे काम करने से। तो थोड़ी देर में मैं मिलवाती हूँ आपको यहाँ पे हमारे मेल CFS फैसिलिटेटर से। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं मिस शहनाज़ को जो है मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक यूट्यूब के चैनल बनाया और जिसमें वो काफ़ी अच्छी चीज़ें शेयरिंग कर रही होती है,
और मैं सबको ये कहूँगा कि आप लोग ज़रूर इनका चैनल विज़िट करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी चीज़ें वो जो अपलोड करती हैं आप देखें, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आज वो हमारे साथ भी काम कर रही है हैंड्स पाकिस्तान में, और मैं यहाँ पर एज ए फेस्टिवल स्पेस काम कर रहा हूँ, और मेरा ताल्लुक थरपकर से है, और हाँ मेरा अनिल कुमार है, मैं एजुकेशन 4 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा काम सोसाइट में बच्चों के साथ एजुकेशन पे, वाश के हवाले से, हेल्थ के हवाले से काम रहा है, और अभी मैं अफगान कैंप कराची वेस्ट में जो है चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस है वहाँ पर मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट जो हुआ यूनिसेफ की तरफ से 1999 में स्टार्ट हुआ था। अब CFS का पूरी दुनिया में कोई लाखों चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस बनवाए, दुनिया में हर कोने पाकिस्तान में बहुत सारे स्पेस बने हुए हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूं इस तरह है कि जब भी दुनिया में कोई इमरजेंसी आई है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, उसमें काफ़ी माइग्रेशन होती है और उसके साथ फैमिली बच्चे भी होते हैं। अब उस बच्चों के लिए कि उनकी जो है उनके साथ कोई चीज़ गलत ना हो, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस, कोई वायलेंस ना हो, कि बच्चा निगलेक्ट ना हो, तो उसके लिए उन्होंने चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस बनाए पूरी दुनिया में, और यहाँ पर भी यही है। जब अफगानिस्तान से इनकी जब ये अफगान कम्युनिटी है तो यहाँ इनकी माइग्रेशन हुई, वहाँ पर कुछ डिजास्टर्स आए, तो वहाँ जब यहाँ पर आए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बच्चों के लिए जो हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ना कभी वो कभी स्कूल गए, ना कभी उन्होंने कोई स्कूल देखे, क्योंकि यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है कोई एजुकेशन की किसी भी हवाले से। ये यूनिसेफ की तरफ से और हैंड्स जो है इसको इन्होंने इनिशिएटिव किया है यहाँ पर चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस। अब यहाँ पर हम वो बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए ना कभी स्कूल देखा, हम इंगेज कर रहे हैं बच्चों को, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है बच्चों के हवाले से, लाइफ स्किल्स बेस्ड एक्टिविटी है, बच्चों को ड्राइंग एंड पेंटिंग एक्टिविटी करवाते हैं हम, बच्चों को उनकी मेंटल हेल्थ पे एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ताकि बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट हो, बच्चे इंगेज हो अच्छी चीज़ों में। यहाँ पर ये होता है कि अगर बच्चे को हम किसी अच्छी जगह पे नहीं रखते तो बच्चे वो मिसयूज़ होते हैं, वो बच्चे बेचे जा रहे होते हैं, वो बच्चे गलत चीज़ों में एंगेज होते हैं, स्नैचिंग एंड वो चाइल्ड लेबर में आ जाते हैं वो बच्चे, उन बच्चों के साथ बहुत सारी ज़्यादती होती है, फैमिलीज तवज्जो नहीं देती है। तो CFS के बाद यहाँ पर बच्चे हमारे पास माशाल्लाह डेली की अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, उन बच्चों को हम अच्छे से जो है वो एंगेज कर रहे हैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ में। बच्चे ये एक साल से हम यहाँ पर जो है एंगेज हैं, और काफ़ी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिल रही है, इन बच्चों की डिफरेंट स्टोरीज़ है, इन बच्चों के साथ जो भी हुआ, ये बच्चे बहुत सारी सी बात है, हमने जो टाइम तब बच्चे आज तक एंगेज है, तो ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव है। मैं जो है खुद भी बड़ा खुश हुआ इस चीज़ को लेके, ये एक मेरी जॉब के अलावा भी एक बहुत अच्छा काम है, हम किसी के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों को हाइजीन के हवाले से, वाश के हवाले से बिल्कुल भी यहाँ पर नो हाउ नहीं थी, मगर हमारी टीम ने, हमारी जो वाश टीम है उन्होंने मोबिलाइज किया हाइजीन के हवाले से, कि जो उसकी प्रैक्टिसेस है कि आप किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। एजुकेशन के लिए बच्चों को नवाब नहीं थी, कभी बच्चे इतना नहीं था कि वो 100 बच्चों के सामने या हमारे सामने आके बात कर सके जब हमने स्टार्ट लिया था, मगर अब ये है कि वो बच्चे इजीली हमारे सामने खड़े हो सकते हैं, वो पॉइंट्स पढ़ते हैं, वो इंग्लिश ABC कभी उन्होंने ना सुनी वो पढ़ते हैं, तो ये थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी आता है हमें, उसके लिए हमारी लोकल यहाँ की कम्युनिटी की हमने CRPs इंगेज किए, वो हमें सपोर्ट करती है, बड़ा जो है लैंग्वेज बैरियर जहाँ पर आता है, तो एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और CFS के हवाले से मैं भी खुश हूँ कि ये चलता रहे आगे भी, हम इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है बनाए कुछ इस तरह कि बच्चे अच्छी चीज़ों में इंगेज रहे, ना कि वो किसी गलत हाथों में आ जाए, तो ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच अनिल, इतना डिटेल में और इतना ज़बरदस्त आपने जो है बताया इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और ये जो मैं कुछ वीडियोज़ इससे पहले शेयर करती रही हूँ उसके हवाले से, क्योंकि आप यहाँ पे फैसिलिटेटर हैं, आप डेली यहाँ पे बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको इंगेज करते हैं, और इतना अच्छा चेंज आया है इस कम्युनिटी में। ये वो बच्चे थे कि जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा था, और इतनी अच्छी और डिफरेंट इनके साथ एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट डेज मनाए जाते हैं, तो ये बहुत
बहुत बड़ी बात है। और इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन्स मैं कहूँगी आप लोगों को कि आप लोगों की एफ़र्ट्स हैं, जो ऐसे बच्चे जो नज़रअंदाज किए हुए बच्चे थे और जिन ये सारे दिन गली मोहल्लों में खेलने वाले बच्चे थे, जिनको आप इतना टाइम दे के उनकी लाइफ जो है वो चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। और आप इस चीज़ को जो प्रमोट कर रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक चीज़ ये महदूद है यहाँ पर, मतलब आप इसको आगे प्रमोट कर रही है, इस दुनिया को दिखा रही है, बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि उनसे दूसरे लोग भी सीख सकेंगे कि हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल दें। अब इसका मकसद ही है और सबका हक है, बिल्कुल ये राइट और ये वो बच्चे वो ये वो कम्युनिटीज़ हैं, ये रेफ्यूजीज या ये जो जो माइग्रेट करके आती हैं, ये वो कम्युनिटीज़ हैं, इनको कोई देखता नहीं है, इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, और कुछ अरसा ये लोग रहते हैं फिर चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, तो इनके लिए स्कूलिंग और ये सारी चीज़ें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं पर भी। एग्जैक्टली ऐसा ही, और बच्चों को अपने बेसिक राइट्स का तक नोहा होता है कि हमारे बेसिक तैलीम, अच्छी तैलीम जो होती है, या अच्छा खाना, साफ पानी, साफ गजा, ये सब उनके हकूक हैं, लेकिन वो नहीं जानते। मगर हमारे आने के बाद और ये इनिशिएटिव लेने के बाद बच्चों को अभी इस चीज़ की नोहा हो गई है। अब वो अपने पेरेंट्स को बता देंगे अम्मी अब्बू ये हमारे बेसिक राइट्स है, पेरेंट्स तक कम्युनिटी तक, और अच्छी है तो, और ये बाकी लोगों तक भी जाएगी और फैमिलीज काफी लर्न करेगी कि हम अपने घर पे CFS कैसे बना सकते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली स्पेशल का मकसद ये है कि वो जगह जहाँ पर बच्चे अपने दिल की बात शेयर कर सकें, खेल सकें, कुछ भी तो दिल में कर सकें, अच्छी चीज़ों में खुद को एंगेज कर सकें, ताकि वो बुरी चीज़ों से बच सकें। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बच्चों के चेहरे पर इसलिए इतना नूर होता है कि वो शरारतें करते हैं, साजिशें नहीं। बहुत ही खूबसूरत बात है ये, और हकीकत भी यही है कि वो सिर्फ शरारतें करते हैं, साजिशें नहीं। हमारे बच्चे हैं CFS के चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस, जहाँ पे हम इनको बुलाते हैं, इनको इंगेज करते हैं, और ये बिज़ी हैं इस वक्त अपनी एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे ये लोग हैं ड्राइंग कर रहे हैं और मेरे ख्याल में अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं A to Z। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम यहाँ पे ये कुछ ब्लॉक्स दे देते हैं ताकि ये खेलें, क्योंकि इनको इतनी देर तक पढ़ाया और इंगेज नहीं किया जा सकता, ये अभी नहीं समझते और लैंग्वेज भी इनकी जो है वो अलग है, तो इस वजह से कुछ टाइम इनको यहाँ पे खेलने के लिए टॉयज़ वगैरह दिए जाते हैं, और यहाँ पे ये खेलते भी हैं और सीखते भी हैं।